गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग दो के पाठ आठ, शाम एक किसान, जिसके रचयिता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपने इस कविता में, अपने इस रचना में मनुष्य और प्राकृतिक चीजों जैसे कि पेड़, पहाड़, आकाश, वन, जंगल इत्यादि का समावेश किया है और उसे एक किसान की भांति बतलाया है। तो क्या कहते हैं, आज पढ़ेंगे शाम एक किसान। शाम का समय है और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बैठे हुए हैं चुपचाप, और वो एक बड़ा सा पहाड़ है और उस पहाड़ को वो निहार रहे हैं। वहां पे जो पहाड़ है, सूरज है, पलाश के फूल है, जंगल है, वन है इत्यादि को वो निहार रहे हैं, और निहारते निहारते कैसी कल्पना उनके मन में दिखाई दे रही है, इस चीज की व्याख्या इस पाठ में की गई है। देखिए क्या कह रहे हैं कवि, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। आकाश का साफा यानी कि एक पहाड़ है बहुत बड़ा, और वो पहाड़ आकाश, जब पहाड़ बहुत ऊंचा होता है, पर्वत बहुत ऊंचा होता है, तो ऐसा लगता है कि वो आकाश से सट गया है, यानी उसका कुछ हिस्सा आकाश के अंदर चला गया है। तो कवि कह रहे हैं कि वो जो पहाड़ है, आकाश का साफा, साफा यानी पगड़ी, तो वो पहाड़ आकाश का साफा पगड़ी बांधकर बैठा हुआ है और एक किसान की भांति दिखाई दे रहा है। जैसे किसान पगड़ी बांधकर बैठता है, उसी तरीके से वो पहाड़ भी आकाश का साफा यानी आकाश की पगड़ी बांधे हुए बैठा है। घुटन सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, और जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, पगड़ी बांध कर बैठते हैं और चिलम खींचते हैं, जो हुक्का होता है, जो गुड़ गुड़ की आवाज करता है और उसमें अंगार डाला जाता है, तो वो पहाड़ जो आकाश की पगड़ी बांधे हुए बैठा है और सूरज की चिलम यानी उसके बगल में जो लाल लाल सूर्य है, जो शाम के समय जैसी लालिमा होती है, वह सूरज अपनी लालिमा लिए हुए चिलम की भांति दिखाई दे रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, घुटनों पर पड़ी यानी उस पहाड़ से जो निकलने वाली नदी है, ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि उस किसान के घुटनों पर चादर रखी हुई है। आप गांव में देखेंगे ठंड के समय जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब वो बैठते हैं तो अपने घुटनों पर कुछ कपड़ा या शॉल या चादर रखते हैं कि ज्यादा ठंड ना लगे। तो उसी प्रकार ये पहाड़ से जो नदी निकल रही है, वो ऐसी लगती है जैसे कि उस किसान के घुटनों पर एक चादर रखी हुई है। पास ही दहक रही है, दहक दहक माने जलना, दहक यानी जलना। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश एक प्रकार का फूल होता है और इसका जो कलर होता है एकदम रेड होता है, लाल, गहरा लाल रंग का होता है, और जब पलाश तुमको देख रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है अंगीठी यानी आग, अंगीठी जिसमें हम आग जलाते हैं ना, दहकना यानी जलना। तो जैसे सिगड़ी वगैरह होती है जिसमें हम कोयला डालकर जलाते हैं, तो ऐसी लग रही है कि पलाश के पूरे जंगल, जैसे पूरे जंगल में आग लगी हुई है। अंधकार दूर पूर्व में, अंधकार यानी कि जो अंधेरा है, यानी अब क्या है, सूर्य सिमटने लगा है, धीरे धीरे ढलने लगा है, तो पूर्व दिशा की ओर से
हमेशा, जैसे कि सूर्य भेड़ के झुंड सा चुपचाप बैठा हुआ है, गल्ले सा झुंड सा। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, और तभी अचानक मोर जो है वो बोल उठता है, मोर बोल उठता है जैसे कि किसी ने आवाज लगाई। अरे सुनते हो, क्या आवाज लगाई, क्या देखते हैं कभी कि चिलम आंधी, आंधी यानी उल्टा, चिलम आंधी उल्टा हो गया, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यानी कि चिलम आंधी हो गई है जिसमें आग जल रही थी, छोटी छोटी अंगीठी जो थी वो उल्टा हो गया, सूर्य उल्टा हो गया, सूर्य डूब गया और अंधेरा छा गया है। एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेंगे हम। देखिए, शाम एक किसान ने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बताया कि जो पहाड़ है वो दूर से ऐसा लग रहा है कि जैसे एक किसान के रूप में वो पहाड़ बैठा हुआ है, और किसान जैसे अपने सिर पर पगड़ी बांधे हुए रहता है, वैसे ही वो पहाड़ भी आकाश का पगड़ी बांधे हुए है, और सूरज का चिलम खींचता, पहाड़ के बगल में जो सूर्य है उसका चिलम, यानी कि वो जो चिलम की भांति गोल गोल जो सूर्य है वो दिखाई पड़ता है, और पास ही जो चट्टानों से जो नदियां, यानी पहाड़ से जो नदियां निकलती हैं वो ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कि उस किसान के घुटने पर एक चादर रखी हुई है, और जो पलाश के लाल लाल फूल हैं, कैसे पलाश के लाल लाल फूल हैं वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि पूरे दूर दूर तक जंगल में आग लगी हुई है, और जो सूर्य है वो सिमट गया है। क्यों? क्योंकि अब वो धीरे धीरे पूर्व से पश्चिम की ओर चला गया है और वो डूब रहा है, और ऐसा सिमट गया है जैसे कि शांत भेड़ों के गल्ले सा, जैसे जब भेड़ शाम को शांत होकर इकट्ठे झुंड में बैठते हैं, वैसे ही सूर्य भी शांत हो गया है। तो कवि अपने ख्यालों में खोए हुए थे, तभी अचानक से आवाज आई, और वो आवाज किसकी थी? मोर की। किसकी आवाज थी? मोर की। उसने आवाज दी और कहा कि अजी सुनते हो, यानी सुनते हो क्या हुआ, चिलम आंधी यानी कि जिसमें आग था वो उल्टा हो गया, धुआं उठा, धुआं उठ रहा है वो उल्टा हो गया, यानी सूरज क्या हुआ, छिप गया है, उल्टा हो गया है और अंधेरा हो चुका है। तो ये कल्पना थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, जिन्होंने प्राकृतिक दृश्यों को मानवीय रूप में, मानव के रूप में, सजीव रूप में दर्शाया है। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी स्पेलिंग मैंने बताया है उसे सुनेंगे, उसको ध्यान से लिखेंगे, और जो भी डाउट होगा वो आप मुझे बताएंगे। थैंक यू।